आज मैंने सुंदर हसीना जो कि मेरी दीदी है इसका मेकअप किया, जो पहले ऐसी लग रही थी और बाद में क्या ही कह ढा रही थी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिका व्लॉग्स। ये रही मेरी दीदी और आज मुझे इसका मेकअप करना है, इसे जाना है अपनी दोस्त की शादी में। तो अगर ये सुंदर दिखेगी तो इसकी भी जल्दी से शादी हो जाएगी और पूरे रूम पे मेरा कब्जा हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इसका सुंदर सा मेकअप कर दूं और ये बहुत प्यारी दिखे। तो सबसे पहले इसने फेस वॉश कर लिया था और मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है, भर के स्किन पूरी प्रेप कर ली है, फिर प्राइमर लगाया है और आज फाउंडेशन में स्विस ब्यूटी का यूज करने वाली हूँ। ये थोड़ा लाइट कवरेज वाला फाउंडेशन है और हाँ, आज मैं आपको ऐसा मेकअप दिखाऊंगी, मतलब बहुत नॉर्मल और बजट वाले सामान से ही आप एक जुगाड़ करके अच्छा सा मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कलर करेक्टिंग कर रही थी, इसकी आईज के पास में ना काफी डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको मैं ऑरेंज कलर करेक्टर से थोड़ा सा दबा दूंगी, थोड़ा सा छिपा दूंगी और फिर अच्छे से मैंने फाउंडेशन पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है। पीछे से पापा बार बार कैमरे में झांक रहे थे, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे जाने के लिए कि आज ये मेकअप कैमरे के सामने क्यों हो रहा है। मम्मी पापा दोनों बहुत एक्साइटेड है मेरे वीडियोस में आने के लिए, तो फिर मैंने इन्हें दिखा ही दिया। हाँ भी मम्मी मेरी प्यारी सी ऑडियंस से हाई कर रही है और पापा अपने को चाय ऑफर कर रहे हैं, वो भी कटोरी में। ठीक है, चलो मैं वापस ही मेकअप कंटिन्यू करते हैं। तो दीदी का मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर देना है ब्यूटी ब्लेंडर से, मुझे ब्रश से ब्लेंड करना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। आप अगर बिगिनर हो ना तो शायद आपको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा, और ब्रश से उतना ना मुझे ऐसा लगता है उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती और बहुत केकी सा लगता है। फिर मैंने नेक पे भी फाउंडेशन लगा दिया क्योंकि नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा ना यार कि फेस गोरा है, नेक काली है, तो फिर मतलब मेकअप करके आई है ऐसे वाला। फिर मैंने उसे सेटिंग पाउडर से पूरा सेट कर दिया है फाउंडेशन को, काफी ग्रीसी सा लग रहा था तो वो सेट हो गया पूरा। अब मैं इसकी एकदम थोड़ी थोड़ी सी कॉन्टूरिंग करूंगी, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्टूरिंग तो नहीं पसंद है और वैसे भी थोड़ा ओवर दिखने लगता है, पर थोड़ा थोड़ा सा कट्स दे दूंगी फेस को। तो मैं गाल के पास में थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, मैंने नोज कॉन्टूरिंग भी थोड़ी सी करी थी, वो मैं रिकॉर्ड करना है इसमें भूल गई हूँ। कॉन्टूरिंग के बाद अब बारी आ गई ब्लश लगाने की। ब्लश में यहाँ पे शुगर का यूज कर रही हूँ। ब्लश लगाना बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा मुस्कुराओ और ये जो आपके गालों के उभरा हुआ हिस्सा होता है ना यहाँ पे ब्लश लगा लो बस। अब थोड़ी सी हाईलाइटिंग करूंगी नोज पे और चीक बोन पे, नोज ब्रिज पे, और साथ में थोड़ा सा फॉरहेड और चिन एरिया पे भी कर दूंगी। शैडो के लिए मैं बहुत सेफ जाऊंगी, मतलब कोई भी ऐसा बहुत बोल्ड सा कलर नहीं, दीदी को भी सटल मेकअप ही चाहिए था, तो जो लाइट ब्राउन आई शैडो होता है ना उसके साथ में थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का आई शैडो ऐसे मैंने मिक्स करके पूरी आईलिड पे ट्रांजिशन कलर की तरह लगा दिया है। और उसके बाद एक मेरे पास सिमरी शेड है, ये मेरा फेवरेट है, देखिए मैंने इसे पूरा खाली भी कर दिया है। तो इस सिमरी शेड को मैंने ब्रश की हेल्प से पूरी आईलिड पे लगा दिया है, तो बहुत ही ज्यादा इजी सा लुक था ये आई लुक और बहुत ज्यादा प्यारा भी लग रहा था, मतलब बहुत ओवर भी नहीं था और बहुत सटल सा लग रहा था। अभी मैं दूसरी आई मेकअप भी जादू से कर दूंगी। तो अब बारी आ गई है लाइनर की। ये वाला जो मेकअप लुक मैं कर रही हूँ ना, मतलब बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और आपके पास जो भी प्रोडक्ट है ना आप उससे ही ऐसा कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो अगर कोई भी डाउट है कि ये चीज कैसे लगाएं या कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी या उस पर पॉसिबल होगा तो वीडियो बना दूंगी। अब मैं इसकी आईब्रोज थोड़ा सा सेट करके ऐसी स्पूली से कर दूंगी। फिर मैंने ये आईब्रो बोन जो होती है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा दिया, वो शाइन आती है वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा पूरा मेकअप लगभग हो गया है, बारी है लिपस्टिक की, तो अब मैं इसके लिप्स को एकदम मस्त सा रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मार्स का लिप लाइनर लगाया है ब्राउन कलर का, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिप लाइनर है, मतलब 39 रुपीज़ समथिंग का मुझे मिला था और बहुत अच्छा लिप लाइनर है। फिर लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक मुझे अपने हाथ से लगाते नहीं बन रही थी तो मैंने दीदी को ही दे दिया कि लो तुम खुद ही लगा लो, क्योंकि दूसरों के लिप्स पे लिपस्टिक लगाते मुझे उतने अच्छे से नहीं बनता है। और ये जो लिपस्टिक है ये स्विस ब्यूटी का कोको मोचा करके एक शेड है, वो वाला है। उसके बाद मैंने ये शुगर की लिपस्टिक, इसका मुझे शेड याद नहीं है, आप बोलोगे तो मैं कॉमेंट में बता दूंगी, उसे ऐसे लिप्स के बीच में लगाया ना तो एक ओमरे लुक टाइप का आता है, बहुत ईजिली आ जाता है। फिर अब हम लगाएंगे सबसे खूबसूरत चीज, एक ब्लैक बिंदी, और इससे पूरे लुक को एकदम चार चांद लग जाते हैं। और अभी मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी, तो मुझे इस स्टेज पे याद है कि अभी मस्कारा लगाना बचा हुआ है, तो मैंने मस्कारा लगाया और अब हम करते हैं इसके लुक को पूरी तरीके से कंप्लीट, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको ये लुक कैसा लगा। और पापा अभी भी आके मुझे पीछे से बार बार परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे, वो कह रहे थे भाई मैं भी आऊंगा तुम्हारे यूट्यूब वीडियोज में। तो बस दैट्स इट, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।